हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ मारवाड़ीज के यहाँ जॉब्स। यस, वैसे आपने थंबनेल में सब कुछ देख लिया होगा। मारवाड़ीज जिसको एक हम अपने काफी जो है कहावत में जो है कंजूस भी बोलते हैं, जैसे कि मारवाड़ी कंजूस होता है, मारवाड़ी पैसा वाला होता है, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें। आज उनके यहाँ जॉब्स के अपडेट्स में लेके आया हूँ। तो जॉब्स की पूरी अपडेट देने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें, ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है मारवाड़ीज के यहाँ। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इनके यहाँ जो काम करता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक काम करता है। जैसे कि ये प्राइवेट जॉब्स नहीं रहती है, ये एक इंडिविजुअल रहती है, पर्टिकुलर एक आदमी के अंडर काम करना रहता है। जैसे दुकान में हुआ, या सुपरमार्केट में हुआ, या फिर गोडाउन में हुआ, ये एक पर्सनल किसी अंडर में काम करना हुआ। ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर वहाँ पे कंटिन्यू 3 साल 4 साल काम करते हैं तो पैसे की हम लोगों को, मान लो बाई चांस घर में कभी तंगी आ जाती है या फिर कोई काम हो जाता है, ये लोग थोड़ा हेल्प करते हैं। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो भी है, कि सर जो हम लोगों के घर में कुछ ऐसा काम है और हम लोग जो है कुछ पैसे की जरूरत है, तो ये लोग उसमें हेल्प करते हैं। मेरे कहने का मतलब समझे ना, ऐसा नहीं कि जो है आप कल ही जाके पूछ रहे कि सर मुझे 1 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए, वो नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंटिन्यू इनके पास काम करते हैं तो अच्छी हेल्प करते हैं। तो गाइस, ये जॉब्स होने वाली मारवाड़ीज के यहाँ। कंपनी है इसमें महावीर फैशंस। महावीर फैशंस, इनका काम क्या है कि इवेंट्स का काम है। जहां बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, जहां बड़े बड़े अपार्टमेंट्स रहते हैं, वहां पे ये लोग अपना ये टेंट वगैरह डाल के, टेबल लगा के वहां पे अपना प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करके बेचते हैं। यही सब काम है इनके यहाँ। बड़ा बड़ा जो है टेबल्स वगैरह लगा के ये वाला प्रोडक्ट लगता है, लाइक जो है लेडीज का जो है कपड़ा वगैरह हुआ, या पापड़ अचार वगैरह हुआ, या फिर लाइक हैंडीक्राफ्ट हुआ, जो घर में सजाने की चीजें होती है ना, ये सब वो सब चीजें जो है वहां बेची जाती है अपार्टमेंट्स वालों को, सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स वालों को। इसमें आपको काम क्या रहता है कि कंपनी को सुबह लोड पिकअप करना, मतलब लोड करना रहता है गाड़ी को, जो प्रोडक्ट रहता है, जो आइटम रहता है, वो सब बॉक्स में भर के पैक करके, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, तंबू वगैरह, टेंट वगैरह, जो भी रहता है उनका सामान, वो आपको गाड़ी में लोड करना रहता है। और जहाँ काम रहता है, जहाँ वर्किंग रहता है, वहाँ आपको उसके साथ में जाना रहता है। वो अलग से आपको वैन की फैसिलिटीज रहती है, वहाँ आपको लिया जाता है, वहाँ पे आपको फिर वापस उसको निकाल के एक सजावट जैसा सजाना पड़ता है, टेबल वगैरह सब कुछ लगा के। वहाँ पे वो प्रदर्शनी करते हैं, जिसको प्रदर्शनी बोलते हैं ना हिंदी में, वहाँ पे प्रदर्शनी करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सब प्रोडक्ट का, जो बड़े बड़े मॉल्स में होता है फेस्टिवल के दिन, वैसा ही इवेंट, तो वहां पे प्रदर्शनी करते हैं। और वहां पे जो फ्लैट्स वाले आते हैं उनको खरीदते हैं, बेचते हैं। आपका काम वहां पे बाहर निकालना, सजावट करना, बस वहीं पे खड़ा रहना सुबह से शाम तक, फिर इवनिंग में वापस इसको अच्छे से पैक करके वापस वहां उनका जो है कंपनी का, या फिर अपार्टमेंट्स का, या फिर जो है जो भी है वेयर हाउस है, या फिर उनका क्लब हाउस है, वहां पे सेफ्टी से रखा जाता है। 1 या 2 दिन उसी अपार्टमेंट में काम रहता है, फिर नेक्स्ट अपार्टमेंट में काम रहता है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ वहां से पैक करना, पैक करके गाड़ी में लोड करना, फिर जहां अपना वर्क लोकेशन रहता है वहां से अनलोड करना, और वहां पे आइटम सजावट करके जमा के वहां पे दुकान डाल के बैठना, बस वही काम रहता है अपार्टमेंट्स के अंदर। इसमें आपको सैलरी रहती है 13,000 रुपए मिनिमम। यस, मिनिमम 13,000 सैलरी रहती है इसमें। अच्छा काम वाला, हार्ड वर्क वाला बंदा है अगर, तो उसकी सैलरी जो है 15,000 देता है कंपनी वाला, 15,000 रुपए सैलरी रहता है। कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रूम की फैसिलिटी। इसके अलावा कंपनी नो फूड की फैसिलिटीज रखती है। खाना आपको खुद बना के खाना पड़ेगा, चाहिए आप तो होटल में खाइए या फिर वहाँ रूम पे बना के खाइए, जैसा आपका मर्जी। कंपनी की तरफ से सिर्फ रूम दिया जाता है, 13,000 to 15,000 सैलरी रहती है। आप 15 नहीं मानिए, क्योंकि काफी वीडियो में ऐसा देखता हूं मैं,
जो मेरी लास्ट की सैलरी रहती नहीं, मैं 15 बोलता हूँ, 18 बोलता हूँ, जैसे 15 से 18 बोल दिया, तो लड़के लोग क्या करते हैं कि 18 पकड़ते हैं और कॉल करते हैं, सर 18 बोला था आपने सैलरी, अभी आप मुझे इतना बता रहे हैं। तो गाइस, सैलरी जो रहती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती है। कहीं पर भी चले जाइए, आप सेल्स में जाइए, आप जो है प्रमोशन में जाइए, या फिर आप जो है हेल्पर में जाइए, जहां पर भी जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस देखा जाता है पहले, उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी आपकी फिक्स की जाती है। तो इसमें जो सैलरी रहती है 13 to 15 thousand रहती है, मिनिमम इसमें 13 हजार सैलरी रहती है, मैक्सिमम इसमें 15 हजार सैलरी रहती है। कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रूम की फैसिलिटीज दी जाती है। लोकेशन इसमें अभी ये लोग बेंगलोर कवर कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी जो जाते हैं, मैसूर हुआ, मद्रास हुआ, वो सब जो है कवर करते हैं ये लोग। टाइमिंग रहता है इसमें 12 घंटा, यस 12 घंटा जॉब रहती है ये थोड़ा हार्ड वर्क काम रहता है, मतलब थोड़ा मेहनत का रहता है, सुबह शाम थोड़ा लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग, ये थोड़ा हार्ड वर्क का काम रहता है, लेकिन ये अच्छा कंपलसरी काम रहता है, परमानेंट जॉब जिसको बोलते हैं मारवाड़ीज के यहाँ, मारवाड़ीज के यहाँ परमानेंट काम है ये, या फिर एक नौकरी समझ लीजिए, दुकान में नौकरी जैसा समझ लीजिए, परमानेंट काम है। आप 1 साल 3 साल 4 साल जो है जम के इसको कर सकते हैं, लगातार इसको कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है वहां पे, आपका प्रेशर नहीं रहता, दबाव नहीं रहता आपके ऊपर कि जो है सेल नहीं हुआ, या फिर आइटम नहीं बिका, या फिर कुछ कस्टमर नहीं आया, वो सब कुछ नहीं रहता। आपका काम रहेगा लोड करना, अनलोड करना, वहां पे सजावट करना, वहां पे स्टॉल डाल के बैठना, बस उतना ही काम रहेगा आपका, बाकी बिके ना बिके, सेल हुआ या ना हुआ, वो सब कंपनी वाला जाने, उनका काम जाने। तो गाइस, ये हुआ इवेंट्स जैसा काम जो स्टोर्स में नहीं होके अपना अपार्टमेंट्स में करते हैं लोग। तो जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे व्हाट्सएप पे पहले हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन महावीर फैशन करके मुझे टाइप करके भेजे, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकता है। कॉलिंग का टाइम फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मुझे 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक ही कॉल करें। आपको 4 बजे के बाद कॉल करते तो थोड़ा रिस्पांस कम मिलता है, और 9 बजे से पहले करते तो भी थोड़ा रिस्पांस कम मिलता है। कभी कभी लड़के लोग क्या करते हैं कि सुबह 5 बजे कॉल करने लगते हैं, रात के 11 बजे कॉल करने लगते हैं, नेक्स्ट टाइम जब उनको वापस कॉल आता है तब बोलते हैं, तो बोलते हैं सर हम लोगों का छुट्टी नहीं होता, शाम के टाइम छुट्टी होता है तो हम लोग शाम को कॉल करता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, टाइमिंग के अकॉर्डिंग कॉल करें ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इसके अलावा जो कपड़े का फैक्ट्री का मैं बोला था आपको, 10 तारीख लास्ट है, उसमें भी जो अभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लग रहे, ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी चल रहा है 10 तारीख तक लास्ट। तो गाइस, जो जो बंदा जिस जिस काम में इंटरेस्टेड है उसका मैंने ऑलरेडी जो है 3 4 दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था पूरा अपडेट के साथ। एक और बार ये आपके लिए अच्छी और अच्छी नई जॉब्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेज कौन सी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सभी लैंग्वेज इसमें चलती है। तो फ्रेंड्स, एक और अच्छी जॉब्स और एक अच्छी हेल्पफुल जॉब। एक और बात फ्रेंड्स, कि मैं काफी टाइम से ये देखता हूँ कि वीडियो देखने वाले जो है काफी लोग रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है बहुत कम होता है। जो जहाँ 100 आदमी वीडियो को देखेंगे वहां पे सब्सक्रिप्शन जो है हम लोगों को 30 से 40 ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि जब आपके लाइक के वीडियो नहीं है तो इसको नहीं देखे, ट्रैफिक नहीं लाए फालतू में, और फालतू में मुझे कॉल भी नहीं करें टाइम पास करने के लिए। काफी टाइम से मैं ये चीजें समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे जो है चीजें अपने जो है व्हाट्सएप पे आती है, उनका मैं एक एक का रिप्लाई दूं तो हंसने लगते हैं, जैसे उन व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और कमेंट्स आते हैं। कल परसों भाई साहब किसी ने और कमेंट्स किया कि अपना वॉइस क्लियरिटी और वीडियो क्लियरिटी अच्छी नहीं है। तो गाइस, मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं सबको यही बात बताता हूँ कि हम लोगों को काम काम दिलवाना है, ना कि किसी चीज को या अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है। हम लोग प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों को कैंडिडेट्स की जरूरत है, लड़के लोगों की जरूरत है। हम लोग काम पे लगवाते हैं अपनी ही कंपनी में, अपनी कंपनी के द्वारा, अपनी कंपनी के थ्रू। तो गाइस, हम लोग ये वीडियो कैसा बना, जो इसमें कमेंट्स क्या क्या हुआ, साउंड क्लियरिटी अच्छी है कि नहीं है, मैं एडिटिंग बराबर किया कि नहीं किया,
वो सब बातें फालतू की बातें नहीं करें और फालतू के कमेंट्स नहीं करें। फालतू के कमेंट्स में पहले ही बोला वही लोग करते हैं जो फालतू में बैठे रहते हैं, जिसको कुछ काम नहीं रहता है। वो ना तो काम पे आते हैं ना किसी को आने देते हैं। उनको पता है कि हम तो जाएंगे नहीं, ना किसी को जाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने वाले की बात वाली, तो हम तो खाते नहीं हैं। तो वही बात है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। सीरियस कैंडिडेट्स ही मुझे कॉल करें, सीरियस कैंडिडेट्स ही मुझे व्हाट्सअप करें। तो फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।